नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एस्केटिक इनोवेशन पर। सो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर आज 13 अगस्त हो गई है, लेकिन जो है कि पोर्टल जो छात्रवृत्ति का फॉर्म जो भरा जाना है वो अभी तक नहीं खुला है। आप लोगों को मालूम है इसके बारे में ऑलरेडी, क्योंकि देखो जो पीडीएफ फॉर्म था, जो सर्कुलर था, जो छात्रवृत्ति फॉर्म की पूरी डेट्स थी, उसका जो है कि ऑलरेडी जो सर्कुलर है 28 जुलाई को जारी हुआ था, वो आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे न्यू करके आपको दिख जाएगा। उसमें आपको जो डेट दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ पर डेट इस तरफ किसी तरफ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उसमें डेट आपको ऑनलाइन जो आवेदन करने की डेट है वो ये लिखी गई है कि 10 अगस्त से शुरू होकर जो है कि वो 10 अक्टूबर तक आवेदन चलेगा। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में, ये जो ऑफिशियल सर्कुलर है मैं इसको ही दिखा रहा हूँ आप सभी को। तो इस ऑफिशियल सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है ना कि 10 अगस्त से आवेदन जो है कि ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, यानी कि पोर्टल पर सभी छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और वो 10 अक्टूबर तक कर सकेंगे। लेकिन आपको मालूम है आज हो गया 13 अगस्त की सुबह हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो पोर्टल है, जो लिंक है, वो एक्टिवेट नहीं की गई है। वो समस्याएं अभी भी आप लोग को आ रही है, पोर्टल नहीं खोला गया है, तो इसको लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों के मन में काफी ज्यादा डाउट्स आ गए हैं, काफी ज्यादा सवाल है, तो उसको लेकर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे आप लोगों के जो चीजें हैं वो क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी चीज का वेट मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी सटीक अपडेट्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी अभी से लेकर लगातार आपकी जब तक छात्रवृत्ति नहीं आ जाती। तो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आप चीजों को दिखाता हूँ। मैं ये टैब है मेरे पास, मैं इसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, और आपको यहाँ पर टैब की स्क्रीन कहीं पे दिखाई देगी, उसमें आपको ध्यान देना है और साथ में मेरी बातों को भी ध्यान देना है, ताकि आपको चीजें समझ में आए जो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखो बेसिकली आपको ये सारी चीजें मैं कैसे समझाऊंगा वो आपको दिखाता हूँ। पहले तो आवेदन आपको कैसे करना है, कहाँ से आवेदन करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी मतलब बहुत लोगों को पता है, पर फिर भी एक बार मैं इसमें दिखा देता हूँ, और फिर वहां पे पोर्टल कहाँ से खुल रहा है नहीं खुल रहा वो भी हम लोग लाइन से सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको वेबसाइट जो ओपन करनी वो है sarkariupdate247.com। ये ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा होगा सरकारी अपडेट 247 लिखे हुए, तब भी आ जाएगा। वहां पर आपको देखो दूसरे नंबर पर ही दिखाई दे रहा है यूपी स्कॉलरशिप, आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके। तो जब आप इसको ओपन कर लोगे यहाँ पर, तो पहले नंबर पे आपको देखो यूपी स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन फॉर्म है 23-24 का, सभी के लिए सारी URL एक ही पेज में मौजूद है, इसलिए मैं इसको रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सारी जो URL है एक ही लिंक में आपको सीधे समझ में आ जाएगा, वहां पर दी हुई है। तो इसको आपको ओपन कर लेना, जो पहले नंबर फॉर्म था आपका ऑनलाइन फॉर्म 2023-24। जब आप इसको ओपन कर लोगे तो नीचे देखो यहाँ पर प्री मैट्रिक की, जैसे कि मालूम है आप लोगों को फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसकी URL देखो यहाँ पर जो मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, इसको आपको देखना है। ये सारा जो है कि आप लोग का फॉर्म यहाँ पे लिंक है कैटेगरी वाइज, जो इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे फॉर्म भर जाएगा। लेकिन अभी जब आप इसमें क्लिक कर रहे हो तो क्या आ रहा होगा, ये लास्ट डेट एंडेड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो लास्ट डेट एंडेड फॉर द प्रोसेस, यही आ रहा है। ये प्री मैट्रिक के लिए हो गया, 9th-10th के लिए। अब जिनको रिन्यूअल करना है उनके साथ भी सेम चीज हो रहा है, उनके साथ सेम चीज क्या हो रहा है, अगर रिन्यूअल करना है तो आपको मालूम है उनके साथ भी सेम समस्या आ रही है। जैसे मान लो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं यहाँ नीचे जाके, उसके बाद जब इस पे चले जाओगे तो स्टूडेंट का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, उस पर जाके आप रिन्यूअल लॉगिन, फ्रेश लॉगिन, ये फॉर्म कंप्लीट करने के लिए करना है। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन पर जाना, जिसकी URL ऑलरेडी पिछले पेज पे भी हमने देखी। तो रिन्यूअल लॉगिन पे चले जाओगे जब आप, तो यहाँ पे देखो आप जब जाओगे रिन्यूअल लॉगिन में, आप थोड़ी देर बाद क्लिक किए रहोगे तो यहाँ पर आपको देखो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन खुल गया जाएगा, सारी आ जाएगा, लेकिन अभी प्री मैट्रिक का खुला है तो उसको हम लोग देखेंगे। जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देख रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन संख्या भरने का ऑप्शन आ रहा है वो 2021-22 का, जबकि आपको मालूम है वो आना चाहिए 2022-23 का, यानी कि इसका भी जो URL है वो एक्टिवेट नहीं किया गया, मतलब इसकी जो लिंक है वो भी अभी एक्टिव नहीं की गई है। तो ये भी 21-22 का ही आ रहा है, जो कि इसका मतलब ये हुआ कि ये भी URL अभी काम नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे में सवाल ये आ रहा होगा आप लोग के मन में कि क्या होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर समझने की बात है, मैं इसको साइड में रख के आपको समझाता हूँ बाकी की चीजें। समझने की बात यह है यहाँ पर कि इसमें जो है कि ये सारी लापरवाही विभाग की, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है, लापरवाही इसलिए है कि उन्होंने खुद ने ही अपने हिसाब से डेट पूरा डिसाइड किया है कि 10 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा। अगर उन्होंने डिसाइड किया तो 13 अगस्त हो गया, तो उनको लिंक ये ऑलरेडी एक्टिवेट कर देनी चाहिए थी, ये काम उनको ऑलरेडी करके रखने चाहिए थे। अब ये डिले कर रहे हैं, इनकी हर बार की लापरवाही है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन एक चीज अच्छी है यहाँ पर, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि उन्होंने इस बार बोला है कि जो आवेदन है वो पूरे साल खुला रहेगा, जो पोर्टल है पूरे साल खुला रहेगा। तो 10 अक्टूबर इन्होंने लिखा है, लेकिन अगर वो वाली बात इनकी मानते हैं कि जो पोर्टल है पूरे साल खुला रहेगा, तो चांसेस है कि 10 अगस्त या जैसे 13 हो गया संडे, आज तो नहीं खुलेगा, 14 से हो सकता है कल से खुल जाए पोर्टल। तो पूरे साल अगर खुला रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अक्टूबर में बंद ना होगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अक्टूबर में बंद करते हैं तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 3-4 दिन आप लोगों के लॉस हुए, उन्होंने बोला था वो लॉस हो गया, आप लोगों को पोर्टल नहीं खुला गया और छात्रवृत्ति के आवेदन नहीं करने को मिले।
तो ऐसे में आप लोग कर क्या सकते हैं, देखो हमें अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, आपको मेरी ट्विटर का जो है लिंक मिल रहा होगा यहीं पर कमेंट सेक्शन में, मैं पिन कर दूंगा ऊपर नंबर पे, कमेंट में चले जाना वहां से हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उस पर आपको जुड़ जाना है। मैं एक ट्वीट करूंगा शाम में यही समाज कल्याण को टैग करते हुए, उनको एक बार याद दिलाते हैं कि 10 अगस्त से आपने पोर्टल खोलने को बोला था और आज 13 अगस्त हो गया आपने पोर्टल नहीं खोला, ये हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दी हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात ये पोर्टल वाली जो रही बात, तो अगर ये डिले करते हैं तो हम लोग अगर उस टाइम जल्दी पोर्टल ही बंद करते हैं तो उस टाइम भी आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे इसी चैनल पर, डिमांड करेंगे पोर्टल को एक्सटेंड करने के लिए 3-4 दिनों के लिए अगर लेट होता है तो। हालांकि अभी भी बहुत टाइम बचा है, अगर 14 से भी ये खोल देते हैं तो पूरा 1 महीने से ज्यादा पड़ा रहेगा टाइम आप लोगों के पास, तभी भी पोर्टल जो है जब भी फॉर्म आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब उसके बाद भी काफी टाइम रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर डिले होता है तो ये बहुत बड़ी इशू हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है डिले नहीं होगा क्योंकि आज संडे है तो आज तो नहीं होने वाला है, पर वो ट्वीट हम जिसकी बात करें वो जरूर कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बोलोगे मुझे तो वो ट्वीट कर दूंगा, आप लोगों सभी को रीट्वीट और वो लाइक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होंगी, पोर्टल जो है कि पूरा साल खोले जाने की बात कही गई है, वो बात अगर सही होती है तो आप लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए 1-2 दिन के डिले से, पर अगर लेट जो है कि अगर 10 अक्टूबर को बंद करते हैं तो समस्या हो जाएगी, 3-4 दिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि कल जो है पोर्टल खुल जाएगा। और एक और चीज यहाँ पर मैं रिमाइंड करा दूंगा, आप लोगों को लगातार पोर्टल खोल के परेशान नहीं होना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे जैसे ही पोर्टल खुलेगा मैं मैसेज करता हूँ, उसके बाद आप फॉर्म भरने की कोशिश करना, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, पैसा आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए।